16 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, एन 50 हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स एस 10, एस 10 कितना दिया हुआ है अभी 210, तो n by 2 यानी कि 10 by 2 2a 9d plus 9d that is equal to 210, ये कट हो गया 5 into 2a plus 9d that is equal to 210, तो 2a plus 9d is equal to 210 upon 5 से इसको काट दो 5 4 42 ठीक है कितना आया 42 that is equation 1, n हमारा 50 है, n कितना है 50 मतलब इस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म्स हैं 50 है राइट देखो जरा और दूसरा दिया हुआ है कि सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स लास्ट 15 टर्म्स का मतलब बच्चों पूरी 50 टर्म्स के सम में से क्या माइनस कर दें एस 50 में से क्या माइनस कर दें बिगनिंग की 35 टर्म्स का सम माइनस कर दें और ये हमें कितना दिया हुआ है बताओ जरा 2565 राइट एस 50 क्या होगा 50 by 2 2a प्लस 49d माइनस एस 35 by 2 2a प्लस 34d दैट इज 2565 करेक्ट हाफ यहां से कॉमन लिया हमने और 5 भी कॉमन लिया ठीक है कितना आ गया 10 into 2a plus 49d minus 7 2a plus 34d that is equal to 2565 correct इसको उधर लेके जाओ ये यहाँ जाके multiply हो जाएगा तो ये 5 यहाँ पर divide हो जाएगा इसको solve करो कितना हुआ ये 28 plus ये कितना होगा 490d minus 14d और ये कितना होगा भाई क्या आएगा भाई 238d दैट इज इक्वल टू 1026 तो बताओ 20a माइनस 14a है ये d नहीं है 14a 6a 252d is equal to 1026 कुछ कैंसिल हो रहा है 2 से हो जाएगा 3 भी हो रहा है ना 2 से भी 3 से भी तो 6 ही पूरा कैंसिल हो जाएगा फिर इसका मतलब a प्लस बताओ 6 से डिवाइड करो इसको 6 से डिवाइड करो 6 से जाएगा 42d इधर सर 1 second 170 और एक इक्वेशन पहले भी हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो a इज इक्वल टू 171 माइनस 42d इसको 1 में डाल दो 2 इंटू 171 माइनस 42d दैट इज इक्वल टू 42 प्लस में 9d दैट इज इक्वल टू 42 करो यहाँ से सिंप्लीफाई निकालो डी की वैल्यू ठीक है इतना मुश्किल नहीं है इजी है करो डी की वैल्यू निकालो बताओ जरा ये क्या आया बोलो 342 माइनस 84d प्लस 9d सो क्या हो गया ये 342 माइनस बताओ 75d is equal to 42 342 minus 42 is equal to 75d बताओ ये क्या है equal to 75d ये कितना आ रहा है 300 is equal to 75d यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई 4
डी फोर आ गया। अब ये हमारे पास ए क्या है बताओ, ए निकालना है। ए बताओ क्या है, इस इक्वेशन को यूज कर लो, इक्वेशन टू को यूज करो। ए कितना आएगा, ए इज इक्वल टू 171 माइनस 42 इनटू 168 फोर। सर सेम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, कौन सी सेम, जिससे अपने हमने निकाला है फोर, सर थ्री आएगा, कोई भी यूज कर सकते हैं। कौन सा, कहाँ की बात कर रहे हो, चलो 170 माइनस 3 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
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 17? सम ऑफ एन टर्म्स, Sn डिनोट द सम ऑफ एन टर्म्स. Sn क्या डिनोट कर रहा है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ इट. देन प्रूव दैट Sn इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है? S12. ये लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा लिख देता हूं. S12. S12 इज इक्वल टू 3S8 माइनस 3 इनटू S8 माइनस S4. ये प्रूव करना है. ठीक है, देखो जरा. ये प्रूव करना है, राइट? बच्चों आरएचएस को लेके चलो. आरएचएस क्या है आपके पास? 3 into S8 minus S4. आरएचएस क्या है? दिस. ठीक है, ये आरएचएस है. ओके, दिस इज 3 into S8 का फॉर्मूला बताओ. 8 by 2 into 2a plus 7d माइनस एस फोर का फॉर्मूला बताओ. 4 by 2 2a plus 6d, राइट? अच्छा बच्चों, अंदर से 4 बाहर निकालो, 2 भी बाहर निकालो. स्प्रेडशीट आप भी देखो इसको. अंदर से 4 भी, क्योंकि हमें 12 लाना है ना, और 12 टर्म्स के सामने होता है 12 by 2 into 2a plus 11d. तो आप अंदर से 4 को बाहर निकालो, तो 3 into 4 और नीचे का 2b. हाँ, 3d नहीं होना चाहिए. 3d या 3d होगा भी, क्या होगा यहाँ पर? 3d. क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर आपने 4 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 2. और 2 तो 2 भी कॉमन ले लिया आपने, तो ये क्या बचा? 2 बचा. 2a plus 7d. 4 आपने कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, वन बचेगा माइनस 2a plus 3d. क्लियर है? दिस इज 12 by 2. बच्चों ये क्या बना? ओपन करो. 4a plus 7d minus 2a minus 3d. देखो जरा, दिस इज 12 by 2. कट नहीं करना, मैं बताता हूँ क्यों नहीं करना है. 12 by 2, 4a and 2a क्या हो गया? 2a. 2a, हाँ, 11d. इसको ध्यान से देखो, क्या है 12 by 2a, 2a plus 11d. क्या है? सो दिस इज S12. हमें यही प्रूव करना है कि 3 इंटू दिस S8 माइनस S4 इज इक्वल टू S12. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में sum of n 2 and 3 n terms of AP be S1, S2 and S3 respectively, then prove that. Let's look. Sum of n terms. Sum of n 2 and n 3 n. करवाऊँ ये?
हमारे लेवल से कितने लेवल? चलो इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है? सो 18 का भी छोड़ते हैं। तो ये आया था पेपर में? देखूंगा मैं, पेपर में आया हुआ होगा तो करवा कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा समय, ठीक है? चलो आगे देखो। ये करवा देता हूँ कर ही लेते हैं। देखो 18 वाला एपी है, एपी की फर्स्ट हमको ए एज्यूम कर लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी। कॉमन डिफरेंस को क्या एज्यूम कर लेते हैं? डी। बच्चों एस वन क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स, तो ये होना चाहिए एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। एस टू क्या है? सम ऑफ टू एन टर्म्स, तो ये क्या होना चाहिए? टू एन बाई टू टू ए प्लस टू एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है? एंड बच्चों एस थ्री क्या है? सम ऑफ थ्री एन टर्म्स, ये होना चाहिए थ्री एन बाई टू टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन इन टू डी, दिस करेक्ट। अब आपको क्या प्रूव करना है? दिस टू प्रूव क्या है? एस थ्री टू प्रूव क्या है? एस थ्री इज इक्वल टू थ्री एस टू माइनस एस वन, थ्री एस टू माइनस एस वन, ये आपको प्रूव करना है। देखो बच्चों फिर से आरएचएस लेके चलो, आरएचएस आरएचएस में है हमारे पास थ्री इंटू परीक्षित, आप ही करो इसको एस टू माइनस एस वन, ये आपने हो गया आपका, करो फिर थ्री इंटू व्हाट इज एस टू? एस टू देखो क्या है, टू एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है? माइनस एस वन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, करेक्ट? ये एक ब्रैकेट हो गया, ठीक है बच्चों? देखा आपने। अच्छा एक काम करो, आपको प्रूव क्या करना, देखो एस थ्री के इक्वल लेके आना ना इसको, और एस थ्री कितना होता है? एस थ्री मतलब थ्री एन टर्म्स का सम, थ्री एन टर्म्स का सम होता है थ्री एन बाई टू, ध्यान से देखो आपको थ्री एन लेके आना है, थ्री एन अपॉन टू। अब वो कैसे आ सकता है? देखो बच्चों यहाँ पर थ्री है और अंदर से आप एन बाई टू कॉमन निकाल लो, अगर आप अंदर से एन बाई टू कॉमन निकालते हैं तो ये आपके पास क्या हो गया? कुछ कैंसिल वैंसिल मत करो, कहीं आपको यहाँ पर टू दिखाई दे रहा है तो आप टू कैंसिल कर दो, ऐसा मत करो, ठीक है? अच्छा एन बाई टू कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? टू इंटू टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी, करेक्ट? माइनस ये क्या होगा बच्चों? एन बाई टू कॉमन ले लिया टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, समझ आया? ठीक है यहां तक सबने लिख लिया? अच्छा yes. इसको ओपन करो, क्या बन गया? 4a प्लस ये क्या होगा बच्चों? 4n 4n माइनस 2 इनटू d, जब ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4n माइनस 2 बनेगा इनटू में d, माइनस माइनस ये हो गया 2a माइनस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है? दिस इज थ्री एन बाई टू फोर ए माइनस टू ए टू ए प्लस। अच्छा इन दोनों में ध्यान से देखो डी कॉमन ले लें, इन दोनों में बच्चों डी कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बचेगा? फोर एन माइनस टू, करेक्ट? माइनस में ये क्या है? इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस एन होगा प्लस वन होगा इनटू डी, बताओ अगर ये समझ नहीं आया तो। दिस इज फोर एन माइनस टू और ये एन माइनस वन, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस एन होगा और प्लस वन होगा,
राइट, ये यहाँ पर लिखा हुआ है. सो दिस इज 3n बाई 2, 2a प्लस 4n माइनस n, 3n एंड माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2. अब ये बताओ मुझे क्या है, 3n by 2, 2a plus 3n minus 1 into d क्या होता है? ये S3n. 3n terms का सम है ये. किसी AB की 3n terms का सम है. और बच्चों 3n terms के सम को क्या बोला हुआ है? S3 बोला हुआ है. क्या बोला हुआ है? 3n terms के सम को S3 कहा हुआ है. So this is S3. यही है मैं प्रूव करना चाहता हूँ. ठीक है? थोड़ा सा टेक्निकली सॉल्व करना पड़ेगा. पिछले वाले जैसे आप इसको कट करने की बजाय डायरेक्ट कॉमन. ठीक है, पढ़ो जरा 19 क्वेश्चन को रीड करो. सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एपी, एपी की पी टर्म्स का सम, दैट इज एस पी, इज सेम एज दैट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स. सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स एस क्यू, ये दिया हुआ है. ठीक है, देन शो दैट sum of first p plus q terms is equal to s of p plus q sum that is equal to 0. ये प्रूव करना. first p terms का सम किसके इक्वल दिया हुआ है? sum of first q terms के इक्वल दिया हुआ है. ठीक है, और क्या प्रूव करना है? p plus sum of p plus q terms is 0. ओके, देखो जरा p terms का सम क्या होता है, p by 2. परीक्षा आप जान ही रहे आज 2a क्या दो सम क्यों आ गई ये एक्सरसाइज. दिस इज इक्वल टू कितने सम है इसमें? 35 सम है. तो ऐसी लोग चीट जब ना होगी मेरे बात बारे में. हाँ चलो, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स, क्यू बाई टू, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू बी, ये दिया हुआ है. ठीक है, क्या प्रूव करना है? दोनों साइड से प्रूव कट करते हैं. p को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2ab. सर 2 काटना नहीं था, मतलब काटना मतलब ऐसे काट सकते. काट दिया, ये हो गया p into p minus 1 into d is equal to, यहाँ से बेटा क्या आएगा, 2aq plus q into q minus 1. P को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. 2aq है सर, 2a. 2aq, ये क्यों लिखा हुआ है? 2aq. ये भी कार्ड देते हैं, ये भी कार्ड. जब नीचे आपका कार्ड गिरा है, हाँ सर, फ्रेंड्स सर आपके. 2ap माइनस यीट कर दिया. 2ap minus 2aq, इस टर्म को हम लेफ्ट में ले आए तो ये क्या बनेगा? 2ap minus 2aq. एंड बच्चों इसको एज इट इज रखेंगे, p into p minus 1 into d minus, ये टर्म क्या है? q into q minus 1 into d, that is equal to 0. Correct? Sir. देखो जरा, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से मैं 2a कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा? p माइनस क्यू. एंड बच्चों यहाँ से मैं d कॉमन ले रहा हूँ, एक तो मैं d कॉमन ले रहा हूँ और इस ब्रैकेट को भी मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी माइनस, ये बताओ, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस क्यू इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 0. एक बार ध्यान से देखो, 2a सर d आपने दो बार कॉमन ले लिया, d दो बार लिख दिया, एक भी हो गया आंसर. 2a into यहाँ पर क्या है, p minus q plus d, यहाँ पर देखो p square minus q square, p इसके दो फैक्टर बनेंगे, इनको कंबाइन कर लें तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, p minus q p plus q. एंड बच्चों इन दोनों को कंबाइन करें और माइनस कॉमन ले लें
क्या बचेगा, पी माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू जीरो। टू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस, जो इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, p माइनस क्यू यहाँ पर है एंड p माइनस क्यू यहाँ पर भी है, सो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, p माइनस क्यू। ब्रैकेट में आपके पास क्या बाकी बचेगा, p प्लस क्यू माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब आप यहाँ से p माइनस क्यू कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बाकी बचेगा, 2a प्लस 1 2a, ठीक है, एंड p माइनस क्यू यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो ये बाहर आ गया ये बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू क्या, d, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, ठीक है, सुनो ध्यान से, p माइनस क्यू इंटू दिस, p माइनस क्यू इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो, आइदर दिस इंटू दिस फॉर दिस इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो, सो आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, बट बच्चों p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बताऊंगा क्यों, सो क्या आ गया, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0, दिस इज रिलेशन 1। ये क्यों 0 होगा भाई, ये 0 1 क्यों, 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स दिया हुआ है, मतलब ये p कुछ अलग नंबर है q अलग नंबर है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि 5 टर्म्स का सम 10 टर्म के सम के बराबर है तो कोई मीनिंग बनता है, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूंगा ना 5 टर्म्स का सम 5 टर्म्स के सम के बराबर है, तो अगर मैं ऐसा कहता हूं कि 5 टर्म्स का सम 5 टर्म्स के सम के बराबर है, मतलब p इज 5 q इज 5, बट उसका कोई लॉजिक नहीं बना, है ना, मतलब q और q अलग अलग है, दोनों को मैं 5 5 तो नहीं कर सकता, सो अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो p माइनस q 0 कैसे होगा, ये एक अलग नंबर है, ये 10 है ये 5 है, जीरो कैसे होगा, तो ये जीरो नहीं हो सकता, जीरो आपका क्या होगा, ये वाली टर्म जीरो होगी, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना, इसको ध्यान रखो कि ये आपको ये रिलेशन आपको मिला है, अब आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड आपको करना था सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, बच्चों एस पी प्लस क्यू एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ ये क्या होना चाहिए, p प्लस क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। हम एस एन का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस माइनस वन इंटू डी, यही लिखते हैं ना, तो p प्लस क्यू टर्म्स का सम क्या होगा, p प्लस क्यू टू एन बाई, ये n के जगह पे है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बट बच्चों ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये वाली टर्म, ये तो हम जीरो प्रूव करके आए हैं, देखो ये, तो इसके जगह आप क्या डालेंगे, p plus q upon 2 into 0, तो sum of p plus q terms क्या आ गया, जीरो जीरो, ये सर आज का लास्ट सम करें, सर आज के लास्ट कम करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट